नमस्कार, यूपी के मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश कुमार। आज हम गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद में हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ ही, बताइए कि क्या लगता है आपको, जनता के मन में क्या है? सवाल जवाब आपने देख लिया एक सेशन। नहीं देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताऊं, जो विकास है ना वो अपने आप में एक बहुत कंपैरेटिव और टेक्निकल चीज है। बीजेपी में डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कुछ न कुछ चेंजेस आए हैं। आज बीजेपी के लिए चैलेंज समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों का विकास नहीं है। आज बीजेपी का चैलेंज है कि जो इन्होंने खुद कमिट किया है, क्या ये उस कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? गाजियाबाद को कुछ मिल रहा है? नहीं, गाजियाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारी सरकारों में हुआ। क्वेश्चन ये है, जिस डेवलपमेंट को आप इतना हाईलाइट करते हो और अपनी उपलब्धि बताते हो, गाजियाबाद या देश के लिए वो ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या गाजियाबाद का विकास इतना ही होना चाहिए? गाजियाबाद के अंदर पोटेंशियल क्या है? आप मुझे ये बताइए, दुधेश्वर नाथ का मंदिर है, आप समझ सकते हो गाजियाबाद की उत्पत्ति ऐतिहासिक है, हजारों साल से गाजियाबाद है। गाजियाबाद के सामने पैदा हुए शहर गुड़गांव वगैरह इंटरनेशनल लेवल के बन गए, गाजियाबाद क्यों नहीं बन पा रहा है? सर पिछड़ गए क्या? पिछड़ गए हम लोग? एक चीज जो अभी बोला ना कि जितने अधिकारी हैं पकड़े जाएंगे, नेताओं की चालाकी वाली नीति देखिए, अधिकारी बिल्डर पकड़े जाएंगे, वो नेता क्यों नहीं पकड़े जाएगा? वहाँ का विधायक क्यों नहीं गिरफ्तार होगा? उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या बिल्डिंग गिरती है? वो मंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार होगा जो बिल्डिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट को देख रहा है? मैं सारे पार्टियों के विधायकों से पूछता हूँ, एक मिनट रुकिए, लाल बहादुर शास्त्री के वजह कैसे नेता हुए थे? जब रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारी अथॉरिटी तो लेते हैं, साइन मैं करूंगा, बिना मुझसे पूछे कुछ होगा नहीं जी। कहीं दुर्घटना हो जाए तो कोई मंत्री विधायक किसी कानून के दायरे में नहीं, केवल अफसर आएंगे, बिल्डर आएंगे, पब्लिक आएगी। या बोल दे, अगर इतने बड़े ये नेता है तो इनको बोलिए सबसे पहले ये नियम बनाए, कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले मंत्री गिरफ्तार होगा। मंत्री गिरफ्तार होना चाहिए सर, सबसे पहले मंत्री, ये मंत्री। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है। ये बताओ और क्या मसला है? ये बताइए, हम गाजियाबाद की बात करने आए हैं, ये लोग बात करें नेशनल इश्यूज की, है क्या बच रहे? नहीं अवधेश, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे देश की मान्यता है एक छोटा सा गांव भी मुद्दों के रूप में देखा जाए तो पूरे देश से जुड़ा होता है। जो मुद्दा गाजियाबाद का है वही मुद्दे कॉमन प्रॉब्लम सारे देश में है। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैं बोलूंगा कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मैं फिर बोलूंगा, जरा पूछो ना राजनीतिक पार्टियों की ग्रोथ फाइनेंस के मामले में 600% कैसे हो गई, उनके पास कहां से पैसा आ जा रहा है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। सवाल ये है, शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, नीचे तो भ्रष्टाचार के गुर्गे बैठे रहते हैं। मंत्रियों का, राजनीतिक पार्टियों का आप उत्तरदायित्व तो फिक्स करो, उनको कानून जीएसटी टैक्स के दायरे में लाओ, नीचे वाले सब लोग सुधर जाएंगे। मंत्रियों के लिए कोई लेन देन नहीं है। मैं आज की बात से सहमत हूँ।